नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। हमेशा चर्चाओं में रहने वाले सहारनपुर के पश्चिम उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेता और पूर्व विधायक इमरान मसूद के कार्यक्रम इमरान मसूद आपके द्वार यात्रा की परमिशन जिला प्रशासन द्वारा रद्द कर दी गई है। आपको बता दें कि कई पार्टियों के द्वारा इमरान मसूद के द्वार बंद होने के बाद भी इमरान मसूद ने सहारनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है, जिसे लेकर वह सहारनपुर में गांव-गांव जाकर इमरान मसूद आपके द्वार नाम के यात्रा शुरू करने वाले थे। हालांकि प्रशासन द्वारा यात्रा की परमिशन को रद्द करने पर इमरान मसूद ने कोई आपत्ति न जताते हुए कानून को न तोड़ने की बात कही। वहीं इमरान मसूद से जनगणना को लेकर बात की गई तो उन्होंने सरकार के फैसले पर सहमति जताते हुए कहा कि यह जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए ताकि हर किसी को अपना हिस्सा मिल सके। अब प्रशासन ने परमिशन कैंसिल कर दी। पता नहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश का मुद्दा इतना बड़ा क्यों लग रहा है कि हालांकि हमारा उसका इस मुद्दे को लेकर कोई वो नहीं था, लेकिन बहरहाल प्रशासन ने कर दिया तो हम कानून तोड़ने वाले तो नहीं है, गंग हो जाएंगे बस ख़त्म। और क्या, अभी तो लोकसभा की तैयारियां करेंगे। तैयारी 7 अक्टूबर को बता रहे हैं इमरान मसूद कांग्रेस ज्वाइन करने। अल्लाह बेहतर जानता है। आप भी तो बेहतर जानते हैं। नहीं, अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता है। इंशाल्लाह जो होगा ठीक ही होगा। जातीय जनगणना को कैसे देखते हैं आप? बिहार ने तो उसको लागू कर दिया, वो दिखा पूरे देश में लागू होना चाहिए। देखिए, जब तक आपको पता ही नहीं होगा कौन आदमी किसकी कितनी हिस्सेदारी है तो उसको उतनी भागीदारी मिलने का काम हो जाए। हम तो सिर्फ इतना ही चाहते हैं और क्या है। लेकिन इसका विरोध भी हो रहा है, कहने के तो बांटने की साजिश हो जाएगी जातियों, मतलब गरीब को हिस्सा मिल जाए तो ये बांटने की साजिश है। ये बहुत अच्छा खेल है। अगर गरीब को उसका हक मिल जाए, जो दबे हुए कुचले हुए पिछड़े हुए लोग हैं उनको उनका हक मिल जाए, तो इसके अंदर ये है कि इनको बांटने की, इसमें बांटने की क्या बात है? आप दे दीजिए, इसमें बांटने की क्या बात है? आज जो आपका कार्यक्रम था ये इमरान मसूद आपके द्वारा, वो गंगों में कहाँ कहाँ होना था, जो कितने लोगों ने गंगों से वहाँ दौलतपुर तक जाना था? अच्छा, वो कैंसिल कर दिया तो हम कानून तोड़ के कोई काम नहीं करेंगे। वक्त हो चला है आप सविता लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।